हे दोस्तों, सो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ हमारे न्यू दिल्ली रघुवीर नगर का दायरा। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार का होने वाला है, क्योंकि जो दायरे के गायकार हैं वो है किरण जानू, और मैं उनके सारे गाने सुन रखी हूँ। मुझे उनके गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने उनके गाने सुने हैं। और अभी जो है मंच डीजे वगैरह सब कुछ लग चुका है, और रात तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। तो आप बस इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी किरण जानू की बहुत ज़्यादा बड़ी और ग्रैंड एंट्री होने वाली है, तो उसके लिए वेट कीजिए। विशाल भाई वागेश्वरी वगाड़ो कई आपड़ा वालू मारी नती देवी देवी
कायदा तो सुबह 5 बजे तक चला था और हम लोग तो बहुत ज्यादा थक गए थे और नींद भी बहुत ज्यादा आ रही थी, जिस वजह से हम लोग हमारे कजन्स के साथ में थोड़ी सी मस्ती करके और हम हमारे सब्सक्राइबर से मिलकर सीधा हम लोग चले गए घर पर। तो आपको मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए बाय बाय। The next day. Hello friends, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ हमारे न्यू दिल्ली रघुवीर नगर में जो मिठी पकौड़ी होने वाली है। मिठी मिट्टी जो प्रसाद हमारे यहाँ पे बनने वाली है तो वो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और दीदी मम्मी सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो हम इसे चलते हैं नीचे। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, चलते हैं जल्दी से। 15 minutes later. सो दोस्तों, अभी हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद में हमारी हड़कमयी माता और जोग माता की मूर्ति के लिए होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा का हवन। नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सो फ्रेंड्स, अभी हम सभी लोग बाहर और अंदर जो है हवन अभी चल ही रहा है और उतने में ही मुझे वंस अगेन मेरे एक और सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि कल रात जब दायरे में भी मुझे सब्सक्राइबर मिले थे तब भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, एंड इस वक्त भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। जब भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं मुझे वो ढेर सारी विश देते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड बाय द वे, अभी मेरी मासी और मेरे सारे कजन्स वगैरह जो है वो सभी आ चुके हैं एंड वो पत्रारी इंजॉय कर रहे हैं, हम सभी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड पत्रारी में थी पूड़ी और चावल और दाल और मोहन थाल और मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। एंड अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो तब तक के लिए बाय बाय। ये माता का उत्सव बहुत ज्यादा समय के बाद आया है जिस कारण बहुत ज्यादा पब्लिक आई है दूर दूर से, जैसे कि नेपाल, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली और भी ढेर सारी जगह हैं जहाँ से पब्लिक आई है। और हमारे घर पर भी ढेर सारे रिश्तेदार आए थे एंड हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, ठीक है। एंड जिस कारण हम लोगों को वीडियो डालने में थोड़ा सा डिले हो गया, बट नो वरीज। सो अभी जो है सभी लोग अभी प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि सबसे पहले जितने भी बाहर से लोग आए थे उनको हमने प्रसाद खिलवाई, देन उसके बाद में हम सभी के जो हम न्यू दिल्ली के रहने वाले ना जितने भी, देन उन्होंने खाई है वो भी दोपहर के समय में। और आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है अभी, ठीक है, एंड मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है और मुझे तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड आप लोग भी बताना कि आपको अच्छा लगा हमारे माता के काम में और माता के काम की वीडियोस देखकर अच्छा लगा या नहीं लगा, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। तो पीछे की नॉइज बहुत ज्यादा आ रही थी इसलिए हम लोगों ने ये वाला क्लिप जो है वो म्यूट कर दिया है।
एंड ये रहे मेरे सागर मामा और इनका एक चैनल है सागर देवी पूजा के नाम से। तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे इनका चैनल सर्च कीजिए एंड इनकी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी और बहुत गर्मी हो रही थी और साथ ही साथ धूप तो बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली गर्मी हो रही थी। एंड आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ भी है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े भी आ रहे थे। और रात के समय में मेरी नानी और जो मेरी मासियां हैं वो सभी आए थे और मेरी मम्मी ये वाला वीडियो शूट कर रही हैं। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।